हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रसोइये खास में। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दिवाली के पर्व पर बनाते हैं कुछ मीठा और बहुत आसान मीठे खुरमे। मीठे खुरमे बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप मैदा, आधा कप शक्कर, 1/3 कप पानी और 1/3 कप घी। मोयन के लिए घी थोड़ा गुनगुना कर लें। अब पानी को थोड़ा गुनगुना कर लें और उसमें चीनी ऐड करके उसे घोल लें कुछ इस तरह से। अब एक बाउल में मैदा डालें और फिर डालें घी और घी को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लें और चेक कर लें कि मोयन सही डला है या नहीं। अगर मैदा बंध रहा है दैट मीन्स आपने मोयन सही डाला है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर का पानी। शक्कर का पानी धीरे धीरे ऐड करके हमें मैदे को गूंथ लेना है। मैदा अच्छे से गूंथ गया है, अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढक के रख देंगे ताकि मैदा और सॉफ्ट हो जाए। अब देखिए मैदा कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें से आसानी से लोइयां बना सकते हैं। हम एक बड़ी लोई बनाएंगे कुछ इस तरह। अब एक लोई लेके हम इसे बेल लेंगे। हमें इसे बहुत मोटा या बहुत पतला नहीं बेलना है। अब कुछ इस तरीके से इसमें कट्स लगाएं। तो लीजिए शक्कर पारे को शेप मिल गया है। अब नेक्स्ट स्टेप है इसे तलना। मीठे खुरमे या शक्कर पारे, इसे तलने के लिए आपको आंच मीडियम फ्लेम में रखनी है और तेल को पहले गर्म होने देना है। उसके बाद धीरे धीरे करके आप शक्कर पारे इसमें डालें। कोई बात नहीं अगर शक्कर पारे चिपकते हैं, जैसे ही वो तेल में जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे। तो लीजिए शक्कर पारे या मीठे खुरमे तैयार हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और मैं आपसे मिलती हूँ अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ईटिंग। जय हिंद, जय भारत।